गीता साधक संजीवनी के लेखक परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज, अध्याय 16 श्लोक 5 की व्याख्या से लिया गया। यह चिंतन है, श्री हरि, मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। यह भाव साधक में जितना अस्पष्ट रूप से आ जाता है, उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है। संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं और दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम रूप लीला गुण चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की यह बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल से संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, केवल इस जीव के संबंध, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर अर्थात शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस उदार विचार के मिटते ही विश्व से माना हुआ संबंध समाप्त हो जाएगा और दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के कारण है।